ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। एक लाख के मुचलके पर जमानत, जमा कराना होगा पासपोर्ट, मुंबई से बाहर जाने के लिए लेनी होगी जमानत। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को मिली जमानत, रिया चक्रवर्ती के भाई शौबिक और बासित की जमानत अर्जी खारिज। सुशांत केस में अब खुदकुशी के एंगल से जांच करेगी सीबीआई, ड्रग और मानसिक हालात के साथ दूसरे पहलुओं पर होगी जांच। सीबीआई को सुशांत और दिशा सालियान के मामले में नहीं दिखा कोई कनेक्शन, पैसे के लेन देन वाले मामले पर भी नहीं मिले कोई सबूत। हाथरस कांड में आज नहीं आएगी एसआईटी रिपोर्ट, जांच के लिए 10 दिन का और मिला वक्त। एसआईटी की टीम आज फिर पहुंची पीड़िता के घर, परिवार वालों से आज भी पूछताछ। पीड़िता के भाई से एसआईटी टीम ने किए सवाल, कॉल डिटेल को लेकर की जानकारी। कॉल डिटेल से हुआ है खुलासा, हाथरस केस में पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत। आज तक की टीम ने भी की परिवार से बातचीत, भाई ने आरोपी से बात करने के आरोपों से किया इनकार। पीड़ित के परिवार पर पुलिस की निगरानी, किसी से मिलने जुलने पर भी कड़े नियम, बाहर जाने के बारे में भी पुलिस को देनी होगी जानकारी। हाथरस के एसडीएम की सख्त चेतावनी, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हाथरस में आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज, पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात। 29 सितंबर को पॉजिटिव आई थी कुलदीप कुमार की कोरोना रिपोर्ट, 4 अक्टूबर को नेगेटिव होने का दावा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, पीएम जी अकेले टनल में, हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो। हाथरस में हिंसा की साजिश को लेकर ईडी ने दर्ज किया मामला, फंडिंग वाले मामले में जांच करेगी एजेंसी। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की साजिश का खुलासा, जातीय दंगे फैलाने के लिए पीएफआई को अकेले मॉरिशस से आए 50 करोड़। हाथरस में साजिश के आरोपों में मेरठ से धरे गए 4 संदिग्ध, चारों का पीएफआई से बताया जा रहा रिश्ता। हाथरस जाने के फिराक में थे चारों संदिग्ध, पुलिस ने चारों के पास से बरामद किया भड़काऊ साहित्य। सूत्रों के मुताबिक हाथरस पुलिस चारों को लेगी रिमांड पर, दंगों की साजिश वाले केस को लेकर दर्ज हो रही है संगीन धाराएं। पालघर केस में महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी दूसरी पार्टियां, 4 हफ्ते तक चली सुनवाई। दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विरोध का अधिकार लेकिन सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तय स्थान पर ही विरोध प्रदर्शन का अधिकार, संतुलन बनाए रखना जरूरी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा, कार के ऊपर गिर गया कंटेनर। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 2 लोगों की मौत, दोनों इवेंट मैनेजमेंट के लिए करते थे काम। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले, 67 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देशभर में 986 लोगों की मौत, अब तक 1,04,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 14,53,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 4,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 1900 नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। सीटों का बंटवारा होते ही बीजेपी ने जारी की पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची, शूटर श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट। एलजेपी की राह अलग होने के बाद बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा, बीजेपी के कोटे में 121 और जेडीयू के कोटे में 122 सीट। जीतनराम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी जेडीयू, 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। सीटें फाइनल होने के बाद जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी 122 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल।
चुनाव में पीएम मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर एलजेपी को नीतीश की चेतावनी, कहा सिर्फ एनडीए के सहयोगी पार्टियों को ही है अधिकार। नीतीश कुमार ने इशारों में साधा एलजेपी पर निशाना, कहा हमारी मदद से राज्यसभा पहुंचे थे रामविलास पासवान। बिहार में गठबंधन से अलग होते जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी, चिराग बोले साफ निश्चय के भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। आज नामांकन दाखिल करेंगे जीतनराम मांझी, इमामगंज सीट से भरेंगे पर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव पर आज चुनाव आयोग की बैठक, तैयारियों पर होगा मंथन। मोकामा सीट से आरजेडी ने अनंत सिंह को दिया टिकट, सीट पर जेडीयू के राजीव लोचन से होगा मुकाबला। शोपिया में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के सोनभद्र में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, इलाके में बिजली आपूर्ति हुई ठप। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथरस कांड पर भीम आर्मी का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान 2 पुलिसकर्मी झुलसे। मुंबई के डब्बा वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने लोकल में सफर करने की दी मंजूरी। आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई ने लगाई जीत की हैट्रिक, राजस्थान को 57 रनों से हराया। मुंबई इंडियंस ने दिया था 194 रनों का लक्ष्य, 136 रन ही बना सकी रॉयल्स की टीम। रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी जीत, बेहतर नेट रन रेट के आधार पर स्कोर चार्ट में टॉप पर। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने की धारदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।